दोस्तों स्वागत है आपका टेक्निकल दिलजाद यूट्यूब चैनल में। अगर आपके फोन में ऑलरेडी इंटरनेट प्रॉपरली सही तरीके से काम कर रहा है, प्रॉपरली सही तरीके से आपके फोन में इंटरनेट चल रहा है, लेकिन आपके इंस्टाग्राम का नेट नहीं चल रहा है, जब भी आप इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है और लास्ट तक देखना है, उसके बाद आप आसानी से अपने इंस्टाग्राम की इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर हल्का सा नीचे स्क्रॉल करना है और आपको एक फीचर ढूंढना है जिस फीचर का नाम है कनेक्टिविटी एंड शेयरिंग। आपको यहाँ पर टच करना है, उसके बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है और आपको यहाँ पर एक फीचर दिखाई देगा रेस्ट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ। इस पर आपको टच करना है और यहाँ पर आपको रेस्ट सेटिंग पर टच कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना पैटर्न लॉक या फिर पिन लॉक को अनलॉक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर टच करना है। ध्यान रहे यहाँ पर रेस्ट करने से आपका केवल नेटवर्क रेस्ट होता है, आपका मोबाइल डाटा या फिर कोई एप्लीकेशन रेस्ट नहीं होता है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब आपको यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर टच करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ये चेक कर लेना है जिस सिम कार्ड का आपने डाटा ऑन किया है उस सिम कार्ड में इंटरनेट अवेलेबल है या नहीं। हो सकता है जिस सिम कार्ड का आपने डाटा अवेलेबल किया है उसका नेट पैक खत्म हो गया हो, तो आपको उसी सिम का डाटा ऑन करना है जिस सिम में आपने नेट पैक कराया है। अब यहाँ से बैक करने के बाद आपको इसमें एक सेटिंग और करनी है। सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करने के बाद एप्स फीचर ढूंढना है और एप्स पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर मैनेज एप्स पर टच करना है। अब आपको यहाँ पर सर्च करना है इंस्टाग्राम। जैसे आप यहाँ पर इंस्टाग्राम सर्च करेंगे तो यहाँ पर इंस्टाग्राम ऐप आ जाएगा। अब इंस्टाग्राम की ये सेटिंग ओपन होने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज पर टच करना है। यहाँ पर आपको वाईफाई के सामने भी टिक मार्क लगे रहने देना है और मोबाइल डाटा के सामने भी आपको यहाँ पर टिक मार्क लगे रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर टच करना है और ऐसा करने से आपकी जो समस्या है वो 100% ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी तब भी समस्या ठीक नहीं होती है तो आप यहाँ पर क्लियर डाटा पर टच करने के बाद क्लियर ओल्ड डाटा पर टच कर सकते हैं और इससे आपका पूरा इंस्टाग्राम का डाटा क्लियर हो जाएगा। बाद में आपको इंस्टाग्राम में लॉगिन करना पड़ सकता है, लेकिन क्लियर डाटा आपको तभी करना है अगर इससे पहले जो सेटिंग मैंने बताई है ये काम नहीं करती है, या फिर आप अपने फोन को एक बार स्विच ऑफ करके दोबारा ऑन करके देख सकते हैं। इस तरह से आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% ठीक हो जाएगी और उसके बाद आप आसानी से इंस्टाग्राम ऐप को यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ऐप को आप आसानी से चला सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेक्निकल दिलजाद को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।